सिटी पुलिस में अजमल सिटी पुलिस की जानिब से साउथ जोन पे कमाटीपुरा पारदीवाड़ा में एक ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन किया था। एक्चुअली एक फ्लैग मार्च और उसके बाद ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन किया था। ये इलेक्शन के सिलसिले में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पे पार्ट आते हैं, जिसमें कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट इलीगल एक्टिविटी को कर्व करने का इरादा होता है। तो आज की ऑर्डिनेंस ऑपरेशन में हम लोग का ये इन्फॉर्मेशन था कि यहाँ पे कुछ एनबीडब्ल्यू जो एग्जीक्यूट करना था, लॉन्ग पेंडिंग एनबीडब्ल्यू पेंडिंग थे और कोई सस्पेक्ट यहाँ पे गुम इलीगल एक्टिविटीज चल रहा है बोल के इन्फॉर्मेशन था। उसके हिसाब से हम लोग 122 लोग यहाँ पे ऑर्डिनेंस सर्च में ऑफिसर्स पूरा मौजूद थे, साथ साथ सीएसएफ का एक प्लाटून कंपनी भी आए, प्लाटून भी आए थे ऑपरेशन में। इस पारदीवाड़ा एरिया में पूरा हम लोग ऑर्डिनेंस सर्च किया था और लोकल से हम लोग को रिक्वेस्ट किया था कि कुछ यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज चल रहे हैं, आके यहाँ पे ऑर्डिनेंस सर्च करके अचानक सरप्राइज पे एक ऑर्डिनेंस सर्च रखेंगे तो कोई भी इलीगल एक्टिविटीज कर रहे तो उन लोग को पकड़ सकते बोल के हमको इंटीमेशन लोकल से रिक्वेस्ट किया। उन लोग का रिक्वेस्ट के ऊपर और अब एनबीडब्ल्यू कोर्ट से बहुत सारी एनबीडब्ल्यू यहाँ पे पेंडिंग थे उसको एग्जीक्यूट करने के इरादे में हम लोग एक ऑर्डिनेंस सर्च किया था। इसमें टोटल हम लोग को 26 व्हीकल मिला जो इम्प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के साथ है और बिना नेम प्लेट का बिना डॉक्यूमेंट्स के साथ घूम रहे थे। 26 व्हीकल को सीज किया गया, आप देख सकते हैं 26 टू व्हीलर से और साथ साथ सात रउडी शीटर्स थे जो अब्सकॉन्डिंग थे और 6 सस्पेक्ट शीट्स थे जो सस्पिशियस मूवमेंट कर रहे थे, उन लोग को भी पकड़े, पूछताछ चल रहे हैं ताकि कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटी करने का उन लोग कर रहे थे उनको पकड़ने के लिए पूछताछ भी चल रहे हैं। ये सारी ऑपरेशन का एक ही मकसद थे, इलेक्शन आ रहे हैं अभी, हम लोग हाल हाल में असेंबली इलेक्शन देखा था, अभी पार्लियामेंट इलेक्शंस भी आने वाले हैं, कुछ दिनों में पार्लियामेंट इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी आएगा। सभी लोग को ये भरोसा दिलाना चाह रहा है कि कोई भी हैदराबाद सिटी ग्लोबल सिटी है और गंगा जमुना तहजीब के लिए फेमस है, ये सिटी में कोई भी इलीगल एक्टिविटीज या अनसोशल एलिमेंट्स को कोई जगह नहीं है। उन लोग को हम लोग उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होगा और सभी लोग को हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अभी सभी लोग इलेक्शंस पे पार्टिसिपेट करें और कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट जो इलेक्शन को बंक इलेक्शन प्रोसेस को तकलीफ देने या रोकने के रुकावट पहुंचाने की कोई कोशिश कर रहे तो हम लोग को इंटरमिशन दे देंगे, देने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इनकेस वैसे कोई भी बंदा है हमारा नोटिस पर आ जाएगा तो उनके ऊपर तुरंत एक्शन होगा।